एक जो आपकी सैलरी मिलती है उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपका आपके जो रेंट्स है उसमें जाता है, और फिर वो इधर से दूर इलाके में इधर उधर घर हैं आपके। तो मुझे, मैं माँ हूँ, मेरी भी दो बेटियाँ हैं, तो मुझे ये पता है कि माँ बाप के लिए सबसे पहले तो अपनी बेटियों को भेजना दूसरे शहर एक बहुत मुश्किल डिसीज़न होता है, और स्पेशली जब उनको ये पता हो कि रहने की कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है या सेफ़ इंतज़ाम नहीं है। तो मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह ताला, हमने तो इनको मार्च 25 की डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि जो आपका हॉस्टल है वो इंशाल्लाह ताला जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। और आपको वहाँ पर रहने के लिए, आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी जॉब कर सकेंगे, आपके पेरेंट्स को तसल्ली होगी कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, उनको तकलीफ़ नहीं है। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं चीफ़ मिनिस्टर का ओथ उठाया, उसके आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक मैं सेफ़ सिटी जब आई, तो मैंने यहाँ बच्चियों से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातचीत की, अपने काम, वो अपना काम कर रही थी, तो मुझे पता चला कि उनको प्रॉब्लम है रिहाइश की, अकोमोडेशन की। तो मैंने उस दिन सोचा कि हम यहाँ पर हॉस्टल बनाएंगे, और आप देखो 4-5 months into it, आपका इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आईजी साहब को, उनकी टीम को, सेफ सिटी की पूरी टीम को, स्पेशली एसन को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। मेरी तवक्कुआत से बेहतर और आगे बढ़ के इन्होंने काम किया है। सेफ सिटी में रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रही है, रोज़ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं सर्विस के अंदर जिससे आवाम की जो सेफ्टी है, उनकी जो वेलबींग है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की बात है, तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दीली भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है। आज बहुत बहुत अच्छे इंटरवेंशंस हमने शुरू किए हैं जिसकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन बच्चों, जितने भी लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको दिल से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, शाबाश देना चाहती हूँ कि ये जो एसएम की परफॉर्मेंस है, सेफ सिटी की परफॉर्मेंस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर पंजाब, बट द एंटायर वर्ल्ड। तो उस सक्सेस स्टोरी में ये जो बेटे और बेटियां बैठे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं जब आपको देखती हूँ कि आप साथ साथ, अब देखो मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी बात भी सुन रहे हैं लेकिन अपनी अपना काम जारी रखे हुए, तो आई रियली लाइक दैट, शाबाश। आप लोग बहुत डिलिजेंटली काम करते हो। मैं अभी 15 जहाँ पे कॉल्स लेते हैं, मैं उसमें गई, मैंने उनको पता था मैं आई हूँ, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। जब भी मैं सेफ सिटी आती हूँ, यहाँ से मैं खुश होकर वापस जाती हूँ। वेल डन। और यहाँ पर अगर मैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को याद ना करूँ तो ज़्यादती होगी। सेफ सिटी PMLN का और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है, और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है, और अब इंशाल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट हम उसको इंशाल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। आई एम श्योर इस पे शहबाज साहब बहुत खुश होंगी, क्योंकि सेफ सिटी के मामले में वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। और आइंदा आने वाले चंद महीनों में हम 18 सिटीज़ को सेफ सिटी बना देंगे। और एक जो 15 की कॉल की सहूलत है, मैं आवाम से ये कहना चाहती हूँ
कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कहीं आपको कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन अल्लाह ना करे पेश आती है, तो आपको 15 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। और जो रिस्पांस सिस्टम एसन ने और इम्प्रूव किया है, तो उसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है ना सिर्फ वो इम्प्रूव किया है जो अर्बन सेंटर्स में 10-12 मिनट्स है, और रूरल एरियाज़ में क्योंकि डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन अर्बन सेंटर्स के अलावा रूरल सेंटर्स में भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जो भी हमें डिस्ट्रेस में, मुश्किल में, मुसीबत में कॉल करता है तो 15 रिस्पॉन्ड करती है। और अब लैंग्वेजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, सराइकी भी इंट्रोड्यूस की है, पोठोहारी इंट्रोड्यूस की है, पंजाबी में रिस्पॉन्ड करते हैं और इंग्लिश में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो कॉलर्स हैं जब वो डिस्ट्रेस में कॉल करते हैं तो उनको तकलीफ़ ना हो। और फिर एक और हमने सहूलत दी है जिसके अंदर कॉल बैक की सहूलत है। ये कभी नहीं होता कि आपको कोई परेशानी में, इमरजेंसी में कोई कॉल करे तो 15 उसको कॉल बैक करता है, और बंद हो जाए फ़ोन तो वो उसको कॉल बैक करता है और पूछता है कि आपने फ़ोन किया था, खैर है। और 18,000 कॉल्स 15 की तरफ से की गई हैं, कॉल बैक किया गया 18,000 लोगों को कि आपने कॉल की थी, कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। तो पंजाब ना सिर्फ तरक्की में लीड कर रहा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाल्लाह ताला। और जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो हम जो हम अपनी आपकी हेल्प डिस्पैच करते हैं उसमें जो 1500 व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं पुलिस की, वो कनेक्टेड हैं इस पूरे सिस्टम के साथ, उनके पास टैब्स, उनके नसब हैं, उनके गाड़ियों के अंदर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। इसी तरह जो डॉल्फिन फोर्स के 200 डॉल्फिन ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी ये सिस्टम है, तो वो उनको टैब्स, गैजेट्स, फ़ोन सब दिए गए हैं और वो कनेक्टेड हैं 15 के साथ। तो जो करीबी, सबसे करीबी रिस्पॉन्डेंट होता है वो फ़ौरन मदद के लिए पहुंचता है और विद इन अ फ्यू मिनट्स पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, और मुझे खुशी है कि सेफ सिटी ने आज व्हाट्सएप भी लॉन्च किया है। 0337-00-00-015 तो हमने ये सर्विस जो है आपको व्हाट्सएप पे भी दे दी है। व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप 15 को अप्रोच कर सकते हैं, 15 को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं, और आपका व्हाट्सएप के ऊपर आपका कांटेक्ट जो है वो हमारे साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जहां पर भी आपको मदद की, जिस तरह की मदद की ज़रूरत है, तो पुलिस जो है वो पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला।